जिला पंचायत दमोह के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रंजिता गौरव पटेल और उपाध्यक्ष मंजू धर्मेंद्र कटारे ने रहने से सदस्य मनीष तंतवाल साथ ही जवेरा से सदस्य रजनी ठाकुर के साथ हटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों के सवालों पर अध्यक्ष रंजिता पटेल ने दमोह जिले में और बुंदेलखंड अंचल में समाज में महिलाओं का स्तर ऊंचा उठाने साथ ही उन्हें मान सम्मान दिलाने की बात कही। मई उपाध्यक्ष मंजू ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जाएंगे, शिक्षा में सुधार के लिए योजनाएं बनाएंगे। डॉक्टर होने के नाते वे स्वास्थ्य के लिए लगातार ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और नशे से संबंधित वस्तुओं के उपयोग के दुष्प्रभाव बताएंगी। वहीं ग्रामीण विकास के लिए नई कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन करेंगी। इसी तरह रने क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य मनीष तंतवाय ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताओं में लिप्त कर्मचारियों सरपंच सचिव के खिलाफ पहले ही बैठक से कार्रवाई शुरू की जाएगी। देखिए समाज में और अपने बुंदेलखंड में महिलाओं की बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसके लिए मैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनकी इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए, उनका मान सम्मान दिलाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगी। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि जिस तरह हम लोग बाहर आए हैं घर से बाहर, वो भी अपने घर से बाहर निकल के अपने अपने पदों पे और अपने अपना कार्यभार संभालें। शिक्षा से मेरा ये तात्पर्य है कि सिर्फ महिलाओं तक नहीं, सभी को, महिला पुरुष सारे जो बच्चे हैं उन सबको पूर्ण रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो फाउंडेशन होता है किसी भी चीज़ का वो सिर्फ आपकी एजुकेशन ही होती है बच्चों की, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। आजकल सिर्फ यही बोलने से नहीं होगा कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, उनमें हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें उसके लिए टीचर्स भी अच्छे चाहिए हैं और जो भी योजनाएं हो सकती हैं हम वो पूर्ण रूप से बनाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सबके लिए पूर्ण रूप से सही हो सकती है।